SRM टुडे शहर की आवाज। विद्युत विभाग के लापरवाही के कारण एक युवक को किल से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ये मामला पीपलिया मंडी थाना क्षेत्र के गांव बही पार्श्वनाथ का है, जहां पर युवक के मौत के बाद ग्रामीणों व परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम लगाया और विद्युत विभाग के लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए ये रिपोर्ट। पीपले मंडी थाना क्षेत्र के ग्राम बही पार्श्वनाथ में विद्युत मंडल के लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम कर शव को गांव बही पार्श्वनाथ लाया गया। तभी परिजनों के साथ ग्रामीणों ने शव को घर के सामने रखकर जाम लगाकर विद्युत मंडल मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर मृतक का दाह संस्कार करवाया गया। विद्युत मंडल मुर्दाबाद, विद्युत मंडल मुर्दाबाद। कोई थे ही नहीं यार, ये जो इसकी जो जब ये लगाना करें इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि विगत 6 माह पहले बिजली के तार टूट गए थे, जो विद्युत मंडल के कर्मचारियों ने घरों की छतों के सहारे टिका दिए थे, लेकिन बारिश के कारण दीवार में करंट फैल गया। इस दौरान संजय पिता भवरलाल बोरीवाल अपने घर के बाहर कपड़े सुखाने के लिए दीवार में कील ठोक रहा था। इस दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसके चलते पूरे गांव में शोक की लहर छा गई है। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया कि इनके घरों के छत से केबल हटाकर सही करने के लिए बालागुड़ा ग्रिड से लेकर 1912 हेल्पलाइन भोपाल तक शिकायत की गई, लेकिन यहां पर लापरवाह कर्मचारियों ने भोपाल हेल्पलाइन पर भी लाइन सुधारने की गलत जानकारी देकर इनकी कंप्लेंट को क्लोज करवा दिया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया और लिखित में भी बालागुड़ा ग्रिड पर शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। इनके द्वारा लगातार जिम्मेदारों को शिकायतें की गई, लेकिन किसी ने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण आज एक युवक की मौत हो गई है। इनके पाटीदार जी की जो दीवार है ना, वो लीम के पास में देखो सलिया, वो केबल के तार लग रहा है। बताइए क्या मामला भाई? गेट हुई होगा ये 3-4 महीने पहले यहाँ से केबल मतलब इस पोल से पोल पर बांध रखी थी, तो कुछ वाहन निकले होंगे, हमें नहीं पता कौन से वाहन हमारे यहाँ खेतों का काम चल रहा था, यहाँ थे नहीं, तो उससे टूट गए कि तो ये बिजली विभाग बालागुड़ा वाले इसको इधर शॉर्टकट घरों के ऊपर से बांध के गए। तो उसके बाद हमें जब पता पड़ा तो हमने बहुत बार उनसे शिकायत भी करी, मौखिक में लिखित में भी करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो हमने 1912 पे बहुत कंप्लेन करी और ये यहाँ से ये बोल देते कि हमारा काम हो गया, तो वहाँ से 2 बार कंप्लेन क्लोज हो गई हमारी का काम हो गया। फिर उसके बाद हम 4-5 दिन से ज़्यादा सक्रिय होकर इसकी शिकायत कर रहे थे, मैंने सोनी जी को फ़ोन लगाया 2-3 बार का, मल्हारगढ़ अपने ई साहब सुपरवाइजर साहब संतोष संतोषजनक जवाब नहीं देते,
आवेदन की मैं प्रति बताता हूँ आपको, वो भी दे रखा है, उसके बाद इन्होंने निराकरण नहीं। कल सुबह 11 बजे मेरे मोबाइल में भी कॉल डिटेल सोनी जी से बात हुई मेरी, तो बोले मैं लाइन में सबको बोल दूँ आने, ये तो रोज ही बोलते हो। कल घटना किस तरह से घटना तो क्या, मैं मतलब घर पे गया, इसका फोन आया तो मेरा पहले गाड़ी है, जैसे ही घर पे मैं दुकान बंद करके घर पे गया तो इनका फोन आया कि गाड़ी लेके आया, कुछ हो गया, तो मैं यहाँ आया तो मुझे पता पड़ा कि भाई के इनके भैया करंट लग गया, फिर मंसूर लेके गए। केबल में कहीं जगह कट भी लग रहे हैं इसके बारे में, वो कट लगे हुए और यहाँ ऊपर भी कट लगे हुए दुकान है। मिट्टूलाल जी बताइए, किस तरह से गांव में अभी युवक की मौत हुई, करंट लगने से किसी लापरवाही क्या मामला? लापरवाही ये थी सर कि ये जो लाइन है टूट गई थी 4-5 महीने पहले, सर्विस लाइन ये इसकी जो गांव की विद्युत लाइन है इससे, तो इसको इन्होंने इस छत के ऊपर डाल दी, छत पे जो डाल रखी है इसकी कई बार शिकायत करी है और यहाँ से लगाकर भोपाल तक शिकायत करी है, मोबाइल पे कई बार उनको बताया और लिखित में भी अवगत कराया उनको अभी 8-10 दिन पहले भी कि कोई घटना घट सकती है, इससे जो लाइन डाल रखी है उसमें कट बहुत ज़्यादा हैं और मौके स्थिति पे देखे जाए कट अभी भी हैं उस पर लाइन में, है ना, तो बरसात कल हुई है दिन में 3-4 बजे बरसात हुई है, उस कारण से ये छत जो है गीली हुई और दीवार में करंट आया क्या, और गांव में ऐसी और जगह भी है जो मतलब कोई घटना हो सकती है, तो हमारा ये कहना है कि जिन्होंने भी इस केस में लापरवाही बरती है इसकी जाँच कर उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और गांव की बाकी लाइटें सुधारी जाए। कल करंट की घटना में क्या हुआ? कल की घटना में उसको करंट लगा, उसकी डेट हो गई है। किसको लगा, क्या जवाब? संजय को। ये विद्युत विभाग की सर लापरवाही है, जो विद्युत विभाग ने जो एक सप्लाई केबल डाल रखी है तो वो अपने मकान के ऊपर होकर जा रही है और उसी जस्ट उसके संजय गोरीवाल के और मेरे दीवार एक ही है, तो जो सप्लाई केबल जो डाल रखी है उसमें जो कट था उसमें कट था, तो बारिश हुई तो सीलन के कारण वो कील ठोक रखा था कपड़े सुखाने के लिए, तो वहाँ पे उसको पड़ गया। वो कई बार हमने शिकायत की सुपरवाइजर महोदय को, 19-12 पे 2 शिकायतें कर रखी हमने, उनका आवेदन भी देखा है, सुनी नहीं, 3 महीने से सुनी नहीं रही। क्या कारण है ग्रामीण क्षेत्र लापरवाही कारण आपके वाइज क्या देते हैं? उनके बिल्कुल विद्युत की लापरवाही के कारण। तो आप क्या चाहते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई? उनके ऊपर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। आज ग्राम वही प्रशासन में ग्रामीणों ने सड़क पर के प्रदर्शन किया था, क्या मामला थी? कल दिनांक को वही पार्श्वनाथ में संजय नाम का एक लड़का था जो घर पर करंट लगने से इसकी मृत्यु हो गई थी और आज दिनांक को इसका PM हुआ है, तो इनके परिजनों का कहना था कि विद्युत विभाग की गलती के कारण मतलब तार वार खुले रखे हुए थे वहाँ, जिसके कारण वो उसको करंट लगा है, उसकी मृत्यु हुई, तो अभी डायरी यहाँ पर आनी शेष है जो जांच पर से इसकी कायमी वगैरह की जाएगी। परिजनों ने शव को सड़क पर के प्रदर्शन किया था और मांग करते आप मौके पहुँचे थे, क्या पाया सर, क्या किस तरह समझाई थी? उनका ये कहना था कि ये विद्युत विभाग को पूर्व में शिकायत की गई है कि यहाँ से तार हटाए जाएँ जो कि उनके घर के पास से जा रहे थे और तार हटाए नहीं गए हैं, तो संबंधित जो विद्युत कर्मी हैं उनके खिलाफ वो बता रहे थे कि मामला पंजीबद्ध किया जाए जो जाँच के बाद में। आपने देखा सर वहाँ पे निरीक्षण कर रहे, तार भी कहीं कट और लग रहे थे, टेप चिपका रखी थी, पास से इस तरह से जा रहे थे वहाँ पर कट वगैरह लगे थे लेकिन उनकी छत के ऊपर नहीं थे, तो वो जांच के बाद में जो भी आएगा किया जाएगा कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट SRN टुडे मंदसौर। SRN टुडे शहर की आवाज़।